ହେଲା। ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ବୋଲ कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुर अति सांद्र कृपायक सिंधु वात्सल वैदग्ध सिंधुर अमृत छविकेल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदिकेल सिंधु वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरी कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरी कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों को बुला करके कैसे कब कब उनको ऊपर में किस किस रूप में उन्होंने कृपा की थी और महाप्रभु का भक्तों में पूर्व लीला में वो कौन कौन थे, कौन हनुमान था, कौन पहले ब्रह्मा जी थे, पहले कौन प्रह्लाद थे, हैं उनको नाम को पहले कोई नारद थे और महाप्रभु की लीला में सबके सब महाप्रभु की लीला में आए। इसलिए महाप्रभु की लीला में एक विशेष चीज है। आप देखो रामलीला में राम को साथ में जो जो आए हैं वो केवल राम का ही भक्त है, कोई कृष्ण भक्त नहीं आए, कोई नरसिंह देव का भक्त नहीं आए, कोई विष्णु का भक्त नहीं आए, सबके सब राम का भक्त आए। कृष्ण लीला में जब कृष्ण आए उनको साथ में और किसी भगवान का कोई भक्त नहीं आए, उनको साथ में गोपियां जैसे उनका सखाएं उनका माताएं जो जो आए हैं सब उनका ही भक्त आए और किसी के भक्त नहीं आए। लेकिन महाप्रभु का लीला में एक विशेष बात है। क्या बात है? महाप्रभु को लीला में सबके सब भक्त आए, राम का भक्त आए, कृष्ण का भक्त आए, नरसिंह देव का भक्त आए, बराहदेव का भक्त आए, हैं मत्स्य कुर्म बराह सबका भक्त महाप्रभु के साथ में सबके सब भक्त आए। अब महाप्रभु सबको ऊपर में कृपा की और महाप्रभु सबको उन्होंने दर्शन दिया, सबको दर्शन दे करके सभी की इच्छा के अनुरूप उन्होंने वर भी उन्होंने प्रदान किया। ये महाप्रभु लीला में एक विशेष महत्व है। इसलिए बोला सचिन नंदन गौर हरि की, इसलिए इनका नाम सचिन नंदन गौर हरि है। सचिन नंदन गौर हरि क्यों कहते हैं? जैसे सची मैया जब कृष्ण लीला में आए हैं, अगर कन्या थोड़ी सी कोई उल्टा पुल्टा किया, कोई नटखट की ना, मैया ने क्या की, उखल में बांधी, कान मोल ली है और उनको शासन किया है। लेकिन महाप्रभु लीला में भले ही महाप्रभु सारे मटकी फटकी फोड़ फाड़ सब कुछ दिए हैं, लेकिन देने पर भी लेकिन सची मैया ने कुछ भी नहीं बोले। बाद में उनको समझाए, बोले बेटा किसका तुमने नुकसान किया है, मटकी फोड़ी घर बार तोड़े, लेकिन अपने जो बर्बाद किया है जिसका नुस्खा तुमने नुकसान किया, किसका तुमने नुकसान किया है, अपना घर का ही तुमने नुकसान किया। इसलिए बाद में उनको उन्होंने समझाए हैं। इसलिए गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के इसे श्री
मुरारी के ऊपर महाप्रभु कृपा करते हैं। किसके ऊपर में? कौन था? हनुमान थे। इसलिए उन्होंने उनको ऊपर में कृपा किया और उनको वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? प्रभु जैसे इतना ही आशीर्वाद करो क्या? बोले मुरारी बोले प्रभु आर नहीं चाहो है न कर प्रभु जे न तोर गुण गाओ जन्म जन्म तुमार जे सेव जे सब प्रभु दास तासवार संग जे न है मोर बास। इसलिए उन्होंने ये वरदान मांगा है प्रभु जैसे जन्म जन्मांतर में जैसे मैं तुम्हारी गुणगान करते रहूं और आपका जो दास है जैसे उनका संग हम हर समय भक्तों का संग जैसे हमें मिलते रहे। इसलिए महाप्रभु सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और जितने भक्त लोग हैं ना ये सब चीज को देख करके उन्होंने हैं उन्होंने जयध्वनि दिया है। क्या जयध्वनि दिया? बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। अरे जोर से बोलो। बोले श्री मुरारी गुप्त की। इसलिए इनका नाम क्या दिया? मुरारी गुप्त। क्यों मुरारी गुप्त नाम पड़ा? बोलो बोलो मुरारी गुप्त क्यों नाम पड़ा? मुरारी गुप्त माने भगवान का गोटे नाम हो मुरारी कहीं ना से मुर नाम को दैत्य को सी बध कर तेना गुप्त माने से मुरारी जी भगवान को निज हृदय में जो हर समय गुप्त रूप में धारण करते हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया मुरारी गुप्त। इनका नाम पड़ा इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अगर ऐसे मुरारी जो गुप्त हैं अगर उनको कोई निंदा करता है ना उनको गंगा स्नान में भी उनका कल्याण नहीं है। इसलिए वैष्णव चरण में अपराध कोई करे और कोई सोचे हम गंगा में स्नान कर ले बस गंगा में स्नान करने पर हमारे सारे अपराध दूर हो जाएंगे नहीं। बोले कोई वैष्णव अपराधी जब गंगा स्नान करने जाती है ना गंगा भी डर से चली जाती है। गंगा क्या करती है? गंगा भी डर से वहां से गंगा भी चली जाती है वहां पर गंगा भी वहां नहीं रहती है। और जो कोई वैष्णव अपराध करते हुए अगर कोई बोले नहीं हम तो हरिनाम करते हुए जो वैष्णव अपराध हुई है सारे वैष्णव अपराध से मेरी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं कहते गंगा हरि नाम तारे करे संघार। कभी जो गंगा और हरिनाम है ना उसको संघार करते हैं जैसे रावण रावण ने क्या किया भगवान राम का चरण में बाबा राम के भक्तों को चरण में अपराध किया हनुमान चरण में अपराध किया है अपराध किया लेकिन वो पूछता था किसको पूछता था किसको पूछता था रावण? अरे बोलो किसको पूछता था रावण? हाँ शंकर जी को। रावण पूछता था शंकर जी को लेकिन पूछता था शंकर जी को लेकिन अनादर करता था राम को और हनुमान जी को उन्होंने अनादर किया है। हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर जी हनुमान शंकर ही हनुमान है। जब उनके पूछ में आग लगाई ना पूरा लंका जला दिया है जिसको पूजा कर रहा था और उन्होंने नहीं उनको लंका को जला दिया जिसको पूजा करता था वही लंका जलाया है। किसने किसने कहा किसको? शंकर जी को। बोले बोले क्यों शंकर जी? देखो तेरे जो चेले है ना चेले का ऐसे तैसे हो रहा है हैं? तेरे चेले का देखो क्या दुर्दशा है तेरे चेले के घर कैसे चल रहा है देखो घर के चल रहा है। तब शंकर जी कहते हैं जो राम से विमुख होते हैं ना उनका यही गति उनको यही गति है हैं? इसलिए कहते हैं भक्तर निंदिया जेवा प्रभु पूजा करे पूजा खाई सही प्रभु तहारे संघारे। जो व्यक्ति भक्तों को अनादर करते हुए भगवान को पूजा करते हैं कहते भगवान उसका पूजा भी स्वीकार करते हैं भगवान उसका पूजा भी स्वीकार करते हैं लेकिन पूजा स्वीकार करते हुए उसको ही संघार करते हैं। उसको पूजा स्वीकार करेंगे लेकिन उसको संघार करते हैं उसी को ही संघार करते हैं है? हाँ उसको बड़ी खाई कर बड़ी चढ़ी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए गंगा हरिनाम तारे करे संघार। इसलिए
गंगा हरिनाम करने पर भी जो वैष्णव अपराध करते हुए गंगा और हरिनाम करते हैं, गंगा हरिनाम उनको संहार करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए कभी भी वैष्णव चरण में अपराध नहीं करनी चाहिए। वैष्णव को कभी हिंसा द्वेष कभी वैष्णव को नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए, यहाँ पर शिक्षा देते हैं। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था कैसे महाप्रभु ने श्री मुरारी गुप्त को ऊपर में कृपा की, आज हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु कैसे श्री हरिदास ठाकुर जी को ऊपर में कृपा किया। इसलिए कहते भैया दास हैं नाभान्य अल्प भाग्यवाने ता अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान, आगे है मुक्ति तापर है सर्व बंधनास तापर के बारे कृष्ण दास दास का जो दास शब्द है हैं? दास शब्द सुनकर हरिदास हरिदास जगत में कोई दास बनना चाहते हैं, सब मालिक बनना चाहते हैं, सब दुनिया में मालिक बनना चाहते, जगत में कोई दास बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते बोले भैया दास है ना नामानियो अल्प भाग्य बने, अल्प भाग्य से कोई भगवान का दास नहीं बनते हैं, हैं? आगे है मुक्ति, पहले संसार से बंधन से मुक्ति मिलेगी, उसको बाद में है सर्व बंधनास, उसको बाद में सारे बंधन नाश होगा, उसको बाद में फिर कोई भगवान का दासों का दास तभी बन सकता है। इसलिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी हो गए, इसलिए स्वयं जिनकी चरणों को स्वयं बलदेव प्रभु सेवा करते हैं, लक्ष्मी सेवा करती है, लक्ष्मी स्वयं सेवा करती है जिनकी चरण की, हैं? इसलिए ब्रह्मा शंभु अमरपति इंद्र चंद्र सबके सब श्री जगन्नाथ जी की चरण की सेवा, इसलिए कहते हैं हरिदास है ये साधारण उनको मत समझो, दास मान करके छोटा मत समझो, अरे ये तो दास है, हैं? हम तो प्रभु है, हम दास नहीं, प्रभु कहते नहीं उनका नाम हरिदास। इसलिए महाप्रभु हरिदास को क्या कहते हैं बोले यही मोर देह है ते तुमी मोर बड़ा तुम्हारे जे जाति से ही जाति मोर दड़। महाप्रभु कह रहे हैं हरिदास इसलिए यही मोर देह है ते तुमी मोर बड़ा, कहते ये मेरे शरीर से तुम बड़ा हो, हैं? तुम्हारे जे जाति तुम्हारे जो जाति कहते वही जाति मेरा है, कहते मैं इसको दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ तुम्हारी जो जाति मरी वही जाति और मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर हमसे बड़ा है, हैं? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही देह करतार चिदानंदमय और चिदानंद देह कृष्ण शरण बजे। इसलिए कहते यहाँ पर कह रहे महाप्रभु ये क्यों कह रहे हैं ये मेरे जो शरीर है, हैं? तुम्हारे जो शरीर मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर बड़ा क्यों, कारण है जब कोई व्यक्ति सदगुरु के पास में दीक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करते हुए वो क्या करता है अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है, जब आत्मसमर्पण कर देता है उस समय क्या करते हैं भगवान उसको अपना बराबर मान लेते हैं। जैसे वो श्लोक है मेरे याद नहीं आते हैं जता दीक्षा विधान न दिजत्व जायते निर्णाम, श्लोक याद है कर जैसे किसी रासायन प्रक्रिया को द्वारा कांसा को क्या करते हैं सोना बना देते हैं, किसी रासायन प्रक्रिया से जो कांसा ये सोना बनी जाती है, कहते इसलिए दीक्षा प्रदान है ना दिजत्व जायते निर्णाम, है इसलिए कहते ठाकुर को सेवा पूजा कौन कर सकता है जो केवल ब्राह्मण घर में जन्म हुए है, फिर ब्राह्मण घर में नहीं फिर जिनको उपनयन संस्कार हुआ है उपयुक्त तभी कोई ठाकुर जी की सेवा में अधिकार है, लेकिन हम लोग तो कोई ब्राह्मण के नहीं, कोई ब्राह्मण घर के क्यों नहीं, फिर हम सबके सब ठाकुर का सेवा कैसे करते हैं ठाकुर जी की, फिर हम सेवा पूजा कैसे करते हैं, कहते दीक्षा विधान है ना, इसलिए बोले दो तरह का है, हैं? दो तरह का क्या है जन्म है, एक है शौक्र जन्म है और एक दरख सावित्री जन्म, दो तरह का जन्म है, हैं? एक जन्म है जैसे हम लोग साधारण घर में जन्म हुए हैं, हैं? और एक है दीक्षा मंत्र को द्वारा गुरु जी मंत्र दे करके और पांच तरह का संस्कार को द्वारा, हैं? जब हम दीक्षा
वो प्राप्त करते हैं यज्ञ में बैठ करके मंत्र को उच्चारण करते हुए, जब दीक्षा प्रदान करते हैं गुरुदेव, फिर वहां पर क्या द्विजत्व जायते निर्णाम, फिर उस समय व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त करते, फिर ठाकुर जी की सेवा में अधिकार प्राप्त होते। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु ऐसे क्यों कह रहे हैं, बोले तुम्हारी देह हम देह से बड़े हैं, क्योंकि कारण है भक्त के हृदय में भगवान की निवास। इसलिए बोले न जन्म कर्म बंधनांच वैष्णवानांच विद्यते, कहते अतएव जन्म मृत्यु वैष्णव नाई, वैष्णव का जन्म मृत्यु नहीं। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्य, जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, कहते उसी तरह वैष्णव का, कहते उनका भी ऐसे न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानांच विद्यते। इसलिए वैष्णव का भी ये जन्म कर्म बंधन नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद उपदेशामृत से एक श्लोक को उद्धृत करके कहते हैं, दृष्टि स्वभाव जनितई बपुश्चय दोष। इसलिए कहते वैष्णव शरीर को साधारण नहीं माननी चाहिए। वो उदाहरण देते हैं जैसे गंगा है, जैसे गंगा में कभी कभी फेण क्या है, फेण कहते जो जब इंद्र को अभिशाप लगा है, जब ये अभिशाप को चार व्यक्तियों ने बांट करके ले लिया है, चार व्यक्तियों ने ये अभिशाप को बांट कर लिया है। किसने लिया, एक स्त्रियां, उनका जो महीना में उनका जो रजस्वला होती है, कहते ये एक पाप है। इसलिए उसी समय में क्या होता है, रजस्वला अवस्था में 3-4 दिन तक उनको है सावधान से शौच से उनको रहना पड़ता है। हाँ 7 दिन कहीं 4 दिन कहीं अलग अलग जाओ। इसलिए उसके बाद में दूसरा किसने लिया, जो पेड़ को काटने पर उसमें जो आठा निकलता है, उसमें जो रस निकलता है, वो भी एक पाप है। तीसरा क्या है, हाँ मरुभूमि, इसलिए वो है जैसे कहीं गड्ढा हो जाता है ना, वो अपने आप भर जाती है। हाँ इसलिए जो बंजर हाँ जो मरुभूमि है कहते, और जो तीसरा क्या है, पानी में जो झांग बनता है, जो फेण बनता है। इसलिए कहते गंगा जल में आप देखना, ये तो पाप बताया गया, लेकिन गंगा पानी में देखना ये झांग बनती है, और गंगा पानी में देखना जो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, कीचड़ कीचड़ है, कीचड़ कीचड़ ये अपवित्र है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, लेकिन गंगा अगर कहीं बहते हुए जा रहे हैं, पानी कीचड़ कीचड़ फेण फेण, हम क्या आचमन नहीं लेते हैं, वहाँ हम आचमन लेते हैं। भले ही वहाँ पर फेण क्यों नहीं हो है, लेकिन वहाँ पर भले ही वो कीचड़ क्यों नहीं हो, लेकिन गंगा पानी कहीं भी गंगा को देखे हम वहाँ पर आचमन लेते हैं है। कहते उसी तरह कहते वैष्णवों के अंदर में, कोई कोई वैष्णव के अंदर में कोई दिखने में लगता है कोई लंगड़े लुढ़े। जैसे उदाहरण दिया, जब श्री रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी का लीला स्मरण हो रहा था, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कैसे राधारानी रोज रोज पुष्प चयन करने के लिए आती है, कृष्ण तो छलिया है। इसलिए कृष्ण उनको ठगने के लिए, लीला करने के लिए क्या किया, वो पेड़ गोबर में चढ़ गए और जिस डाली में बहुत सारे फूल है उसको पैर में दबा करके नीचे कर दिया। इतने राधारानी जब सहेलियों के साथ में आई और एक हाथ से पकड़ी और दूसरे हाथ से पुष्प चयन कर रही थी, जब कर रही थी ना, इतने में कृष्ण अपना प्यार को हटा दिया। तो राधारानी तो ऐसे पेड़ को पकड़ करके रखी थी और पूरा राधारानी ऊपर चली गई। बोल भैया ऐसे कैसे हो गया, ये पेड़ नीचा था, ये अपने आप कैसे चला गया। इतने में देखा तो अरे वो नटखट बैठा हुआ है, वो कृष्ण बैठा हुआ है। फिर कृष्ण नीचे आकर के राधारानी को उतारे। इसलिए कहते उसी समय में कहते श्री रूप गोस्वामी ने ये लीलाओं को दर्शन करते हुए उन्होंने हंस पड़े। तो ठीक उसी समय में खंज कृष्णदास है, खंज कृष्ण मतलब था लंगड़े है, वो लंगड़े थे जा रहे थे, वो तो लीलाओं को देख रहे हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने को ऐसे लगा शायद ये मेरे को देख करके, मैं लंगड़े लुढ़कते हुए जा रहा हूँ, शायद मेरे को देख कर ही हंसी उड़ाए। इसलिए मन में तो उन्होंने दुखी हो गए, इतने बड़े साधु है रूप गोस्वामी जैसे, इतने बड़े साधु होकर के कहते सर्वभूतेषु जपस्येत
भगवत भावात्मन स्थावर जंगम देखे नादे के तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरेतार इष्टदेव मूर्ति। स्थावर जंगम नहीं देख करके सभी के हृदय में भगवान की जो अवस्थान को दर्शन करने वाले मेरे लंगड़े लूढ़े को देख करके उन्होंने हंसी खिली उड़ाई, दुखी होकर चले गए, दुखी होकर चले गए। कहते रूप गोस्वामी का हृदय में तो जो लीला स्फूर्ति हो रही थी ना, झट वो लीला बंद हो गया। वो तो तड़फड़ाने लग गए, बोले ऐसे कैसे हो गया, लीला क्यों स्फूर्ति नहीं हो रहा है, बड़े दुखी हो गए। बहुत कोशिश की लेकिन और आया ही नहीं। फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी बड़े भाई के पास में गए, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। लेकिन सनातन गोस्वामी जानते हैं कब हृदय से ये भक्ति कब अंतर ध्यान हो जाती है, जब किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए। हैं? जब किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाएगा ना, क्या होगा, हृदय एकदम सूख जाएगा। इसलिए महाप्रभु क्या उदाहरण देते हैं, महाप्रभु उदाहरण देते हैं जैसे एक बतवाला हाथी है, जैसे किसी जंगल में प्रवेश करते हुए सूर में जैसे पेड़ को पकड़ करके जड़ समेत उखाड़ देती है। कहती है वैष्णव अपराध इतने खतरनाक है, अगर जैसे पेड़ अगर उसको काट दिया ना फिर तो शाखा प्रशाखा निकल सकती है, लेकिन जब किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाता है ना फिर क्या होता है, कहते भक्ति जड़ समेत खत्म हो जाती। क्यों, भगवान हर चीज को सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं कभी अपना भक्तों का अनादर में भक्तों के चरण में अपराध कभी सहन नहीं कर सकता। क्यों, कहते जिसने सारा दुनिया में मेरी महिमा को गान करता है, भगवान को क्यों जगत में पूजा करते, वैष्णव लोगों के लिए, वैष्णव लोगों को प्रचार करते हैं सारा दुनिया में, भगवान की महिमा को गाते हैं, हैं महिमा को गाते हैं, तभी तो दुनिया उनको भगवान जानते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ भी कभी, अगर मेरे भक्तों का विरोध में मेरे हाथ कभी जाएगा तो मैं अपना हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अपना हाथ को काट डालूंगा। बोले भगवान इतने बड़ी बात कहते हैं भक्तों को अपराध के चरण में, इतने बड़ी बात भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान नाराज हो जाते हैं। होने पर भक्ति जो भक्ति की लता है क्या होता है, कहते वो जड़ समेत उखड़ जाती। उखड़ जाने पर क्या होगा, वैष्णव अपराध होने से फिर धीरे 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 जो हरि नाम करने में इच्छा नहीं करेगी, कोई भक्ति के अंग जाजन करने में रुचि नहीं आएगा, हरि कथा में रुचि नहीं आएगा, किसी को किसी चीज में करने के लिए तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, जैसे हृदय एकदम सूख जाएगी, हृदय एकदम हाँ एकदम निरस हो जाएगी, हृदय किसी चीज में मन नहीं लगेगी है। इसलिए कहते साधु सावधान, किसको सावधान कर रहे, दूसरे व्यक्ति को नहीं, साधुओं को कर रहे हैं। इसलिए फिर कही कर अवधान, महाप्रसाद नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुन्नंग बतांग राजन विश्वास नहीं जाते। इसलिए इनका कम कहती है चार चीज में उनको विश्वास नहीं होता है, उसमें एक है वैष्णव है, उसमें एक है वैष्णव का नाम है। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी जानते हैं लगता है किसी वैष्णव चरण में तुम्हारी अपराध हो गया। बोले भैया बताओ अभी करूँ क्या, बोले काम करो एक भंडारा बना, भंडार करो और सारे वैष्णव को निमंत्रण दो, निमंत्रण देना पड़ेगा, अभी सारे वैष्णव तो स्वीकार करेंगे, अभी जिनकी चरण में अपराध होगा ना वो स्वीकार नहीं करेगा, पता चल जाएगा। फिर सबको उन्होंने निमंत्रण दिया, सबके सब स्वीकार की, लेकिन जब खंजर कृष्णदास को पास में गए ना, बोले आप इतने महान संत हैं, हम तो लंगड़े लुढ़े आदमी हैं, हम थोड़ी आपकी है आपकी उत्सव में आपका महोत्सव में थोड़ी मैं अंश ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मैं आपका उत्सव में नहीं आऊंगा, उन्होंने मना कर दिया। फिर तो वो समझ गए भैया कांटा तो यहीं पर गड़ा हुआ है, कांटा यहीं पर गड़ा हुआ है। फिर उन्होंने माफी मांगी, फिर उनको याद आया जिस समय में लीला स्मरण कर रहा था उसी समय में ये इधर से होते हुए जा रहे थे, हैं जा रहे थे, इसलिए मैंने उनको देखकर हंसा नहीं, मैं तो लीलाओं को दर्शन करते हुए मैंने हंसा है, इसलिए मेरे अपराध हो गए। फिर उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने सारी बात को बता दिए, ऐसे ऐसे लीला स्मरण कर रहा था और मेरे को ठाकुर कैसे राधा कर रही थी, श्याम सुंदर कैसे अपना पैर घटा दिया तो ऊपर कैसे उठा कर ले गया, मैं उसको देखकर हंस रहा था, मैं आपको देखकर हंसा नहीं,
जब ये बात उनको पता चला ना, उन्होंने बोले भैया ये तो मेरा ही अपराध हो गया, मेरा ही अपराध हो गया, क्योंकि ये लीला स्मरण करते हुए हंस रहे थे और मैंने सोचा शादी मेरे को देख हंस रहे, फिर दोनों दोनों को चरण में माफी मांगी है, बोले मेरी अपराध हो गई, बोले नहीं मेरी अपराध हो गई। जब दोनों दोनों को चरण में माफी मांगे फिर उनके अपराध खत्म हो गया, फिर लीला स्फूर्ति हुई। इसलिए यद्यपि ये सबके सब नित्य परिकर है, नित्य परिकर है, इनका थोड़ी अपराध होगा, इनको अपराध अपराध कुछ ही नहीं, लेकिन ये वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये लीला उन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किया है, हमको सावधान करने के लिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कभी कभी वैष्णव में लंगड़े लुड़े हैं, कोई एकदम काला होगा है, किसका गला में कर्कश होगा, इतने सुलीली कंठन नहीं होगा है, और कभी कभी किसकी स्वभाव में हठात बड़े जल्दी क्रोध हो जाता है किस किस के अंदर, हाँ हठात क्रोध हो जाता है, फिर वो क्रोध शांत हो जाता है, हैं हैं, इसलिए हाँ इसलिए हरिजन महाराज थे, इसलिए कहते हैं क्रोध हो जाता है वो हरिजन महाराज। हमारी कोई एक थे, अब सोच नहीं सकते, उनने शादी के लिए, उनका शादी हो रही थी, उनको शादी के लिए बैठे थे, शादी के लिए उसी समय में ही उन्होंने शादी के समय से उठ करके छोड़ कर चले आए और साधु बने, और उन्हें सन्यास, उनको गुरुजी ने भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी मेरे सन्यास दिया, और उन्हें एक गांव में रहते थे, कहते सवेरे 7-8 बजे का अंदर में उनने खेती, कभी गुरु मंत्र जप नहीं करते थे, बोलते थे खेती देखते 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 था, और इतने सेवा करते थे, इतने सेवा, अगर कभी कभी गुस्सा आया ना, कभी कोई चीज में कुछ हो गया, मंदिर में जो ठाकुर पानी फेंक दी, वो कहते हैं तेरे लिए मैंने आया हूं, छोड़ करके तेरे लिए आया, ये हुआ क्यों, तुमने ये सब काम किया, स्नान करने से पकड़े, स्नान कराते थे, हाथ से निकल के गिर गए गोपाल जी, तो उसमें ही एकदम शाम तक छोड़ दिया, जाओ ठंडा हो जाओ, इसलिए उनको ऐसे थे, लेकिन इसलिए कभी कभी ये कहते दृष्ट ही स्वभाव जनित ही, इसलिए किसके अंदर में थोड़ी स्वभाव से तो अगर थोड़ी कभी क्रोध आ जाता है लेकिन शांत हो जाता है, हैं इसलिए शांत हो जाता है, इसलिए कहते ये सब चीज को देख करके कभी भी वैष्णवों की निंदा चर्चा नहीं करनी चाहिए, मना करते हैं, हैं इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए महाप्रभु कह रहे हरिदास तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से भी बड़ा है, मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर की बड़ा है, इसलिए जो मेरा तुम्हारा जो जाति है वही मेरा जाति है, कहते भक्तों का जो जाति है भगवान कहते यही मेरा जाति है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र बता रहे, बोले हरिदास अरे याद है, बोले क्या प्रभु कौन सा बात है, बोले जिस समय तुम हरिनाम करता था उच्च स्वर से 3-3 लाख हरिनाम करता, हरे कृष्ण बोलो जोर से, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कहती 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से, और 1 लाख और 1 लाख हरिनाम मन मन में करते थे, इसलिए जिसको सुन करके कद राजा को पास में शिकायत किया है और बोले ये मुसलमान घर में जन्म होकर के ये हिंदुओं का धर्म ये हरे कृष्ण नाम जप करता है और ये जगत में थोड़ी सी प्रतिष्ठित व्यक्ति, अगर ये इसको देखेंगे ना लोग, बोले भैया इतने बड़े व्यक्ति जब हिंदुओं का वाणी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, फिर दूसरे लोग भी उसमें अनुप्राणित होंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पूरा मुसलमान धर्म है ना धीरे धीरे घटेगा, इसलिए उन्होंने शिकायत किया। शिकायत करने पर हरिदास ठाकुर को उनको बुलाया, बोले खबरदार ये हरिनाम तुम जोर जोर तुम ये हरिनाम नहीं कर सकते हो, कितना भाग्य से तुमने मुसलमान घर में जन्म हुए हो, जब हिंदुओं का नाम हम सुनते हैं उनको छाया स्पर्श करने पर हम जाकर के स्नान करते हैं, हैं इसलिए, और तुमने इतने भाग्य से मुसलमान घर में जन्म हो करके तुम हिंदुओं का
धर्म हिंदू वाणी ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो। उन्होंने बहुत तरह से समझाने के लिए कोशिश किया, बोले देखो भगवान तो नहीं, उनको कोई गढ़ कहते, कोई आला, कोई भगवान कहते, केवल नाम से फर्क है। कोई हिंदू होकर के अल्लाह को पूजा करता है, कोई मुसलमान होकर हिंदू धर्म कर है, हिंदुओं का जो प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान थोड़ी अलग है, हैं? भगवान तो एक ही है, इसलिए जिसको जो रुचि वो करता है। बोले नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। बोले अगर हरि नाम नहीं छोड़ोगे तो क्या करेंगे, तुम्हारी शरीर को हम बोटी बोटी करके हैं, इसलिए हम बाईसी बाजार में ऐसे बुरी तरह से पिटाई करेंगे, दुनिया लोग देख कर पता चलेगा जो मुसलमान घर में जन्म होकर के हिंदुओं का धर्म को आचरण करते उनका क्या दंड मिलता है, दुनिया देखेगा। खंड खंड आय देह प्राण तबुवन अमी ना छाड़ी व बदने हरि नाम, भले ही मेरे शरीर को बोटी बोटी करके काट डालो, लेकिन ये मुंह से मैं। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं भक्तों थोड़ी बहुत कोई दुख कष्ट आ गया, माला फाला छोड़ छाड़ करके रह दो, नहीं करेंगे। कहते नहीं, हर समय ठाकुर के मंत्र होकर के भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति क्यों नहीं आए, सबको ठीक ही, हाँ आगे हमें भक्ति जगत में आगे हमें बढ़नी चाहिए। इसलिए जिस समय उनको बड़े चार पांच सिपाही को आदेश दिया 22 बाजार में पिटाई कर, जो पिटाई कर रहे थे, इतने में भगवान स्वयं मई विद्वेष सदा आसु विनश्यति। भगवान कहते हैं जब वेद के ऊपर में हैं, गो ब्राह्मण भक्तों के ऊपर में कोई अत्याचार होना, बोले तथा आसु विनश्यति, भगवान सकता भक्तों का अपराध में कभी सहन नहीं कर सकता हूं, मेरा जिस समय तुम्हारे ऊपर पिटाई हो रही थी, मैं बैकुंठ छोड़ करके मैंने सुदर्शन चक्र लेकर के आ गया, ये सब को मैं मार डालूंगा, लेकिन जब मैं आया है ना, मैंने देखा उसी समय में प्रभु ये अज्ञान ही है, ये जानते नहीं कुछ, इनको माफ कर दो। मैंने कहा मैं बैकुंठ से उतर करके आया, मेरा भक्त इनका ही कल्याण सोच रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं मैंने क्या किया, तुम्हारी शरीर में मैंने अपना पीठ को लगा दिया, पीठ लगा दिया है ना, जितने पिटाई तुम्हारे ऊपर हुई वो पिटाई तुम्हें नहीं हुई, मेरे ऊपर में पिटाई हुई है, इसका प्रमाण देखोगे। महाप्रभु कहते हैं तुम्हार मारण निज अंग कर लो, यही तार चिन्ह अच्छे मिथ्या नहीं कहो, इसलिए तुम्हारी पर जो पिटाई हुई सब कुछ मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने झूठ नहीं कहता हूं, अभी भी वो चिन्ह मेरे शरीर में, देख ले महाप्रभु अपना पीठ दिखा दे, देख लो जो पिटाई हुई ना सब मेरे ऊपर पिटाई हुई, मैंने सारे पिटाई को मैंने ग्रहण किया है, हैं? इसलिए कभी जगत में मैं जो आया है, क्यों जगत में इतना जल्दी आया, महाप्रभु कहते हैं कि तू जगत में जो आया इतना जल्दी क्यों आया, महाप्रभु कहते हैं बड़े भक्त बढ़ाई तैसे ठाकुर भालो जाने, बिना कीना बोले कीना करे भक्तरे कारणे, हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि बोले तुम्हारी लिए ही जगत में मैं आया हूँ, यहाँ पर कहते हैं भक्त बढ़ाई तैसे, समझ रहे हो कि नहीं, कहते भक्तों को कैसे हर समय उनको बढ़ाई कर भगवान सब कुछ, इसलिए एका तु भक्त जीवन, इसलिए भक्त निमंत तोर शंख चक्र, इसलिए वो भजन को शायद कोई बड़ा भक्त तो माता पिता भक्त तो पिता, इसको किसने गाया, साला बेवकूफ, इसलिए जो शुद्ध भक्त हुए ना
उनका सब भजन सुनना सबके सब शास्त्र में मिलता है, वो ऐसे नहीं लिखती है। जो शुद्ध भक्त हुई है ना, उनको मुंह से जो वाणी निकलती है सुधा सरस्वती, उनकी जीवा में सुधा सरस्वती की निवास होती है। वो जो कुछ बोलते हैं वो सुधा सरस्वती बोलती है, है? वो सब के सब सुधा सरस्वती। इसलिए यहाँ पर वो उदाहरण प्रभुपाद देकर कहते हैं, कहते भगवान ज्वलंत अग्नि पान किया, इसलिए ब्रज में भगवान कहते तीन बार भगवान तीन बार, बोले कब किया, बोले जिस समय वटवृक्ष के ऊपर में अपना जो कलेवा लाते थे, हैं, वो कलेवा को उसी पेड़ में लटका देते थे और वहीं पर बैठकर भोजन करते थे और वहीं पर वृक्ष आए। अगर हाथी भी अंदर में चले जाए ना, पता नहीं चलेगा। और वहीं पर कृष्ण सखाओं के साथ में बैठ करके और जमुना के इस पार से उस पार जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, ऐसे करते थे। जब भोजन गया तो हरी हरी घास को देख करके घोर जंगल में प्रवेश कर गई और कंस ने अपना चर्म को कृष्ण उनका सखा बल सबको मारना। इतने में जब देखा कृष्ण का सारे जंगल में मुंजा टबी में प्रवेश कर गया। वो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, नहीं चलता, इतने बड़े बड़े पेड़ होता है, हैं ब्रज में। इसलिए जब प्रवेश कर गए, इतने में मऊ का बाग करके ना उन लोगों ने चारों तरफ में आग लगा दी। जब आग लगा दी, अब देखो ना, आग लगते ही ना अपने आप हवा बहती है, हैं, चारों तरफ में आग आग फैल गया। इतने में सखाओं ने कहा, यही चल रहे थे, वो गए कहां, हम थोड़ा देख करके आते हैं। लेकिन सखा लोग जब अंदर में गए ना, वो भी बुरी तरह से फंस गए। जब फंस गए, चारों तरफ में आग जल रहा है, इतने में बोले क्या करनी चाहिए, बोले कन्हैया को बोला, बोले कन्हैया हम लोग सबके सब फंस गए, हमको बचाओ, चारों तरफ में आग जल रहा है। इतने में कृष्ण झट वहां पर प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले एक काम करो सखाओ, आग बंद कर लो। सखा लोग सोचे, कहते ये कन्हैया ना कुछ कुछ मंत्र जानता है, क्योंकि हम लोग ऊपर में कभी कभी जो विपत्ति पड़ी, पता नहीं ये कैसे विपत्ति से उधार कर देता है, ये कुछ जादू टोना जानता है। और जो मंत्र एकांत में बोला जाता है, मंत्र सभी के सामने नहीं बोलते हैं, इसलिए लगता है कुछ मंत्र मंत्र जानता है, एकांत में बोलनी चाहिए, आंख बंद कर लो। सखा लोगों ने आंख बंद कर लिए। जब आंख बंद कर दिए, इतने में कृष्ण उन्होंने अंजलि, उन्होंने ऐसा हाथ किया, हाथ करते अग्नि कौन है, भगवान का सेवक है। इसलिए मत भयात बाति बात वयम सूर्य तपति मत भयात तहति अग्नि भरसति इंद्र तहति अग्नि मृदुश्चरति मत भयात। मेरे डर से विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, भगवान कहते मेरे डर से हो रहा है। वायु बहती मेरे डर से, चंद्र सूर्य उदय होता है मेरे डर से, अग्नि में जो दाहिका शक्ति वो जो दहन करती है मेरे आज्ञा से। इसलिए कहते ना, ठाकुरों की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हैं? इसलिए भले इतने में भगवान जब उन्होंने ऐसे किया, ऐसे करते अग्नि तक थरथर थरथर कांपते हुए वो अग्नि भगवान के हाथ में आ गया। जब आ गए, इतने में भगवान दावानल पान की, जब दावानल पान किए तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इतने में भगवान की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने, हैं, इच्छा शक्ति जोग माया ने देखा, बोले भैया भगवान अग्नि कैसे पान करेंगे। इसलिए कहते लीला रस से प्रभुर नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। कहते भगवान लीला भेष में भगवान की देह की अनुसंधान नहीं रहता है, भगवान लीला आवेश में लीला करते हैं। को जान करके जो लीला शक्ति ये सारे काम को लीला शक्ति समाधान करती है, हैं? इसलिए जब उन्होंने ऐसे किया, अभी लीला शक्ति सोच रही है प्रभु का मुंह कितने कोमल है, भगवान मक्खन खाते हैं, ठाकुर जी मक्खन खाते हैं और मक्खन कितने कोमल है, और भगवान के मुंह कितने कोमल, और भगवान अग्नि कैसे पान करेंगे, ठाकुर जी अग्नि कैसे पान करेंगे। इतने में लीला शक्ति जोग माया प्रकट होकर के, भगवान तो ऐसे उन्होंने किया लेकिन जोग माया प्रकट होकर अग्नि को जोग माया ने पान कर लिया। लेकिन नाम किसका हुआ,
नाम किसका हुआ? बोले नाम कृष्ण का हुआ। किसने अग्निमान की कृष्ण ने? बोले ऐसे क्यों? बोले कारण है, इसी जगत में देखना, अगर घर में कोई काम होता है ना, भले ही पत्नी घर का काम करती है, हैं करती है, लेकिन नाम किसका होता है? पति का। किसका नाम होता है? पति का। पत्नी भले ही मूर्खाणी हो, अगर पति अगर पंडित हो ना, पत्नी को बोले पंडित यानी ये पंडित यानी पति को बोले पंडित यानी भले मूर्ख है। इसलिए घर में कोई भी काम हो ना, देखना नाम किसका, पुरुष का नाम होता है। इसलिए भले ही लीला शक्ति ने इसको पान की, लेकिन नाम किसका हो गया? अग्नि किसने पान की? कृष्ण ने उस समय पान किया। दूसरे जगह पर जब काली दमन को बाद में जो रात में वहीं पर विश्राम किया था, वहां पर भी जंगल में आग लग रही थी, भगवान उसी समय में भी भगवान ने ये अग्नि को उन्होंने पान किया। इसलिए ब्रज में और एक बार अग्नि लगी तो है भगवान का, तीन तीन बार भगवान अग्नि पान किया। इसलिए हरिदास कह रहे, बोले प्रभु आप भक्त के लिए आप क्या नहीं करते हो? भक्त के लिए तो आप सब कुछ करते हो, अग्नि को भी आप भक्त के लिए ये अग्नि को आप पान करते हो। बोले प्रभु कभी कभी आप भक्तों का कीकर भी बन जाते हो, भक्तों का तो आप नौकर बन जाते हो, पांडवों का नौकर बने हैं। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए प्रेम का बस और चुन रथ हमको बन भूल गए ठाकुर आई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये रथ को कौन बहन करता है, हैं? इसलिए इसको बोलते हैं ना पांडव लोग, ये पांडव लोग कर्ण को क्या चिढ़ाते थे, बोले सूत पुत्र बैठ जा, सूत पुत्र। सूत पुत्र मतलब क्या है? जो रथ को चलाने वाले उनको सूत कहते हैं। बोले उनका बेटा अगर बात बैठ जा, यहाँ पर ज्यादा बोल रहा है, सूत का बेटा है। इसलिए वो गाली देते हैं, छोटे जाति के होते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, भक्तों का प्रेम में बसीभूत होकर के उन्हें रथ को खींची, पांडवों का शांति दूत बन करके गए। दूत कौन बनता है? नीचे जाति का लोग बनते हैं, शांति दूत बन कर गए। भगवान जब पांडव लोग सहन करते हैं, भगवान कभी कभी स्वयं दरवान बन करके भगवान रक्षा करते हैं, उनका दरवान बन जाते हैं भगवान। जिस समय पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है, हैं, मैंने पांडवों को मारूंगा, उस समय में भानुमति को बुला था, तुम आ जाना, वरदान दे दूंगा तो बस अखंड सौभाग्यवती बन जाएगी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, इतने बारिश बरसाई, इतने बारिश आ गई, दुर्योधन ने देखा, बोला भानुमति को लेकर आने के लिए इतना बारिश, कोई बात नहीं पितामह अपना है, कल चला जाऊंगा। लेकिन इतने में कृष्ण ने क्या किया, बोले द्रौपदी जल्दी जल्दी चलो, ये बारिश ही हो रही, बोले बोलो मत, चलो मेरे साथ में। भगवान कहते उसका जूती को भगवान अपना बगल में दबा दिया भगवान, क्यों? जूती को देख कर पता चले जूती है, इसको बगल में दबा दिए, बगल में दबा करके लेकर ठाकुर जी गए, और द्रौपदी को उन्होंने पितामह भीष्म से उन्होंने सौभाग्यवती बताओ, जो उन्होंने घूंघट खोली, पितामह भीष्म बोले तू कहां से आ गई, मैं तो बोला था भानुमति को, दुर्योधन को बोला था लेकर, बोले प्रभु, बोले पितामह भीष्म आप मेरे को वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती बनूंगी, लेकिन कब बनूंगी, जब पति जिंदा रहे ना, इसलिए अब मेरा पति को रक्षा करना पड़ेगा। बोले तेरे साथ में कौन आए, तेरे को कौन लेकर के आए, बोले वही नटखट लेकर के आए, हैं, वही कन्या लेकर के आए। बोले तो मैं तो यही सोच रहा हूँ। इसलिए यहाँ हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, बोले हे प्रभु आप क्या नहीं करते हैं भक्तों के लिए, आप स्वयं उनका नौकर बन जाते हैं, इसलिए भक्तों के लिए आप करते ही नहीं किया, इसलिए आप भक्तों के लिए सब कुछ काम। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की, महाप्रभु को स्तुति की, और महाप्रभु आशीर्वाद दिया। क्या दिया फिर हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री हरिदास ठाकुर की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोला हरे हरे बोला हरे हरे बोला राम हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो। भजन सुनकर ना भक्तमान को फोन कर तम पर किए गाँव तम पर किए बोले जड़े आम भक्त भले अलग सुर सुनो आम कह शुण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you.
Gracias.